लेफ्ट से तो जो अपने जो प्रीवियस स्लाइड में किया था वैसे कर सकते हैं लेफ्ट साइड से तो अपन। हाँ, वही उसके अंदर लाइक जब सेकंड प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो जिस बल्ली के सराउंड बल्ली के जो लास्ट एंड जो कॉर्नर पे वहाँ पे वो रस्सी से उसको कोइल कर लेंगे कोइल और फिर चले जाएंगे सारे। इससे हो जाएगा एनी आईडिया फॉर दिस? ये तो डायरेक्ट ब्रिज है ना, ये तो इजीली हो जाएगा अगर लेफ्ट साइड से जा रहे तो। हाँ हाँ, मिडल वाले भी स्टार्टिंग ब्रिज से ही करेंगे। हाँ एंड नेक्स्ट फिर बल्ली को वो होल में डाल के वो सेकंड वाले ऑब्स्टेकल तक पहुंचेंगे। ये होल ना टुवर्ड्स द स्क्रीन है तो फिर वो कैसे डालेंगे? लाइक वो तो स्टार्टिंग लाइन से ज्यादा सही रहेगा। लाइक अगर अपन मिडल में आके फिर उसमें होल्ड में डालेंगे तो वो तो लाइक उधर हैवी नहीं ना, स्टार्टिंग लाइन से ज्यादा सही हो जाएगा। हाँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ कॉइल कॉइल एंड प्लेस इट इन द मिडिल व्हाइट पोर्शन एग्जैक्टली। यस यस नाउ नाउ टेक द प्लैंक सॉरी नाउ टेक द बल्ली यस नाउ टेक द बल्ली 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 यस एंड And put it in the horizontal bar, okay? Horizontal bar. Horizontal bar. Last obstacle. Yes. Last. Yes. Yes. How, yes. How you will put it? On the horizontal bar. On the horizontal bar. Okay. Right. Any. How so you will put it side, directly? From downside. From downside. And okay. Wait. Mm-hmm. Go. Put it up. Put it up. Put it up. Yes. And now take the plank. Uh-huh. And we can just like put it in and we can just move. It will touch the ground because it is in the elevation. But one problem is that we should tie the plank in the horizontal bar. They need only work. Because we need the elevation. It will not touch the ground for sure. I think this will not work because it is not stable. Stable second one is that if will fall off, right? अगर अपन बांधेंगे ना तो rigidity rule का violation हो जाएगा। Like ऐसे कर सकते हैं ना जैसे कि जो ये जो vertical stand है जिसके अंदर ये circle भी है like ये जो goal है ना इसके ऊपर वाले जो structure से इसको अगर bridging कर दे तो बीच वाले से और जो ये वाला edge kind of structure है ना इसका distance जितना इसका foot है ना उतने ही उसके ऊपर वाले part का distance है। लाइक ऐसे कर सकते हैं ना जो ये राइट साइड में ये जो होल वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये वर्टिकल उसके ऊपर अपर सरफेस से प्लैंक का जो ये मिडल में जो इसके साथ ब्रिजिंग नहीं हो सकती क्या इसके साथ इसकी ब्रिजिंग हो जाएगी? आप इसे देख करो हम होल वाले स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बल्ली डाल सकते हैं। वी कैन पुट बल्ली इनटू दिस एंड विद द हेल्प ऑफ प्लैंक वी कैन जॉइंट इट लाइक द डिस्टेंस ऑफ बल्ली इज नॉट okay so we can join the so haan we can stand on this and wo obstacle ke upar chadh sakte hain haan do log chadh sakte hain yeah and then we can use the rope and rope ko us fir hole se hole mein dal ke then hum uske upar balli ka use kar sakte hain fir se तो और एक और चीज है जैसे जो इसमें होल है ना ये बहुत ऊपर लग रहा दिख रहा है पोल में तो अगर हम इसको बल्ली से प्लैंक को कनेक्ट करेंगे तो प्लैंक की बहुत एलिवेटेड हो जाएगा तो बेटर हम ना ये पोल बना लें। हाँ लूप बना दे रस्सी के नीचे हो जाएगा थोड़ा फिर प्लैंक लगा सकते हैं। हाँ, तो सेम प्लैंक को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और बल्ली को थोड़ा उस तरफ को खींच लेंगे लास्ट बंदा ताकि लास्ट में खींच सके लूप का बनाएंगे। अगर जैसे ये डिस्टेंस ज्यादा होगा ना टू पुट द बल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑफ अ पर्सन विल स्टैंड बिहाइंड एंड बाय यूजिंग वेट वी विल पुट अ बल्ली इन दिस होल देन उसमें एक लूप बना के बल्ली के इस साइड डाल देंगे एंड देन वी विल पुट अ प्लैंक लाइक दिस सो दैट ये जितने एलिवेशन होगा ना ये कम हो जाएगा एंड ऑल ऑफ अ पर्सन कैन मूव अहेड। तो नहीं इससे भी बेटर ये कर सकते हैं हम कि ये जो लूप बना रहे हैं वो दोनों उसके साथ बना दें एक ये भी है पोल और एक उस तरफ भी है ना बाहर को अगर वो नहीं है ब्लू या रेड नहीं है तो उन दोनों को मिला के एक बड़ा लूप बना सकते तो सेंटर पे प्लैंक लग जाएगा।
ये जो बल्ली होल में डाली है ना, ये ऑलरेडी अगर अपनी एंड से नीचे ही रहेगी, एलिवेटेड नहीं रहेगी ना ज्यादा, क्योंकि वो एक एक क्लोज एंड हो गया, एक ओपन एंड हो गया, तो जो अपनी तरफ एंड है वो तो नीचे ही रहेगा, इतना एलिवेटेड नहीं रहेगा, तो वी कैन जो सबसे राइट वाला है ना वो जो बाहर दिख रहा है उसमें अगर एक रोप का लूप बना दे, और जैसे आपने अभी किया है वहां पे अगर थोड़ा फंसा दे तो, सो दैट द इनकमिंग विल बी फ्रॉम द राइट साइड एंड द आउटगोइंग विल बी फ्रॉम द लेफ्ट का बल्ली पार्ट है ना वहां से, मतलब जो बल्ली आपने साइड हमारे साइड की है उस जगह फिनिश लाइन साइड करेंगे, सो दैट विल गो आउट फ्रॉम दैट. दिक्कत हो रही है, सो देन वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो दिस पार्ट एंड देन वी विल मूव अहेड विद व्हाट यू सेड ना. आई एम सेइंग इट हाइपोथेटिकली कि अगर ऐसा नहीं हुआ देन then we will shift our valley this side. Right. I will put the hole like bar mein ye kar denge blue data jahan pe hole hai us pole pole ke top pe se leke agar hum plank rakh de left wale us pe structure pe jahan bar lagi hui hai wahan se bhi cross kar sakte hain nahi ho payega acha wo slantingly nahi jayega us taraf nahi lekin dekh jo ye hole wala jo pole hai iske jo upper surface se प्लैंक को जो ये मिडल वाला जो ये है ना ये दो पोल के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लगा है इसके ऊपर इसके बीच में ब्रिज भी तो बन सकता है ना, जो पोल के जो ये जो पोल का जो सर्कल है जिसके अंदर होल है उसका अपर सरफेस से और जो मिडल है मिडल के जो मिडल पार्ट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इन दोनों के बीच में प्लैंक रखा जा सकता है क्या? नहीं यार डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसके इसके बीच में नहीं रख सकते भाई. वी कैन यूज द रोप हियर, रोप की मदद से हम वो लूप बना के हम बल्ली को सपोर्ट दे सकते हैं एंड देन फिर बल्ली को उसके आगे प्लैंक रख सकते हैं और फिनिश लाइन पे पहुंच जाएंगे. यस एक वही हम होल में नहीं बसाएंगे बल्ली को, बल्ली होल में नहीं बसाएंगे, फिनिश लाइन की तरफ जो एंड है बल्ली का अगर वहां पे तो बोल रहा रोप लगाएगा. यस वहां पे तो कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर ही नहीं है जिसके. नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, बल्ली को हम इसके स्ट्रक्चर्स के साथ बांध देंगे. यहां पे एक वो तो ऑलरेडी होल में है ना. नहीं होल से निकाल लेंगे ना हम इसे. हां होल से निकाल कर ये जो हॉरिजॉन्टल छोटा सा स्ट्रक्चर है ना कौन सा राइट साइड. हां राइट में राइट वाला. हां इसके साथ बल्ली को बांध कर हम प्लैंक का यूज कर सकते हैं आगे. बट एंगल भी मिल जाएगा तो वो तो स्टेबल नहीं रहेगा सिंगल के साथ. लास्ट अपना ये हेल्पिंग मटेरियल रिट्रीव कैसे करेंगे एंड योर लास्ट पर्सन. वन थिंग व्हेनेवर यू search for an idea na, any idea, then think ki last person or helping material ko kaise retrieve karna hai. Like isme jaise apne entry ke starting line se like waise to finish line se wapas nahi kar sakte kya apan? Ha ha kar sakte hain. Loop bana ke aur plank dal ke wapas hui. Yeah we can reverse the idea like same thing from there. Exactly. Jaise plank ko wahan pe band diya then fir with the same balli ka use kar loop bana diya. Yes. Yes, it will work. And if your GTA says that you can't directly bridge it, then and you are standing on this pole, this valley. कि अगर आपके GTA ने कहा कि आप directly इस वाली ये pole से directly finish line तक नहीं जा सकते हो, using your helping material. मतलब जैसे आप tie a loop बना के जा रहे थे, then what will you do? तो हमें left side जाना पड़ेगा. तो फिर सेम सिमिलर है उस पे जो ये पिलर खड़ा है उसमें होल है उसके अंदर बल्ली फंसा के आगे करके और हाँ ऐसे ही टचिंग एंड्स पे प्लैंक रख देंगे. और फिर लास्ट पर्सन को कैसे रिट्रीव करेंगे? लास्ट पर्सन, अच्छा लास्ट पर्सन के लिए ये लास्ट पर्सन और बल्ली दोनों को रिट्रीव करना होगा. लास्ट पर्सन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो जो जहां पे अपने लेफ्ट पार्ट रखा है ना प्लैंक का वहां पे लूप डाल देंगे रोप का. हां तो and like bridge banayenge where one of the end will be on the finish line and the second one will be in the rope ka loop. हाँ नहीं ऐसा करेंगे इसे ना यहाँ पे बहुत टाइट से बांध देंगे कि बहुत ज्यादा वो स्टेबल हो जाए आगे की साइड से, सो दैट कि एक पर्सन तो आगे जाके ये मतलब लास्ट पर्सन आ भी सके प्लस ये बल्ले को भी निकाल सके.
नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जो बार है उससे रोप सस्पेंड कर देंगे लूजली, जाके नीचे वाली एंड में से प्लैंक निकाल के फिनिश लाइन पर रख देंगे, और जो जहाँ पे होल था जिस बार में उसके ऊपर बल्ली रख के टॉप पे और उस रोप में फंसा के वो एक स्लैंटिंग बन जाएगा, वहां से वो बंदा क्रॉस कर लेगा और फिर वहां जाके बल्ली भी उठा लेगा। नहीं नहीं वही तो मना कर दिया था ना लास्ट में, वही हमने सोचा था कि अब जब यहाँ से हम जा रहे थे ना पहले हम वही वाला इम्प्लीमेंट करके जा रहे थे, बट आई एम सेइंग अगर आपके जीटीओ ने मना कर दिया कि यू कांट डू दैट डू दैट, तब क्या करना है? देन प्लैंक का एक एंड है वो फिनिश लाइन पर रखेंगे और दूसरा एंड इस बार के ऊपर रख देंगे, तो जितना प्लैंक आगे एक्सटेंड हो रहा है उस टचिंग एंड से लेके जो जिस पोल में होल है उसके टॉप से बल्ली रख के और प्लैंक के उस एंड पे जहाँ पे वो ऊपर जा रहा है वहां पे रख के वो बंदा क्रॉस कर लेगा। एक मिनट आप एक एक करके बोलो, मैं वैसे वैसे लगाता रहूंगा। जो प्लैंक का एक एंड है वो फिनिश लाइन पे जाएगा और दूसरा एंड ये हाँ इस बार के ऊपर आ गया तो, और बल्ली थोड़ा ये जो इसी पोल के ऊपर रख के एक एंड और दूसरा एंड उस प्लैंक के ऊपर प्लेस हो जाएगा। बल्ली तो ऐसी रहेगी ना, बल्ली तो होल के अंदर है अभी भी। नहीं हम ऊपर रख देंगे ना उसको। नहीं नहीं कैसे, फिर वो स्टेबल नहीं होगा ना? स्टेबल ऐसा कह रहा हूँ। नहीं नहीं हाँ स्टेबल रहेगा क्योंकि एक एंड ऐसा रहता है हमेशा कि एक एंड प्लेन होता है थोड़ा बल्ली का, ताकि वो रोल ना हो, मैंने तो नोटिस किया है ऐसा। तो ऐसे करके वो बंदा क्रॉस दो, और जो प्लैंक का दूसरा एंड है जो फिनिश लाइन पे टच कर रहा है वहां पे दो बंदे खड़े हो जाएंगे पैर लगा के ताकि वो वहां से ऊपर ना उठे। ऐसे करके वी कैन क्रॉस। जैसे फिनिश लाइन पे गिरेंगे तो ये प्लैंक तो बहुत ज्यादा लाइक इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो फिर तो वैसे भी स्टेबल नहीं होगा क्योंकि वो वैसे नीचे गिरेगा ये प्लैंक, सॉरी ये बल्ली। नहीं तो एक एंड पे रुका है ना वो, लाइक एक पे रुका है लेकिन जैसे प्लैंक का इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो लाइक जो ये बल्ली है ना वो नहीं स्टेबल होगी, वो रुकेगी नहीं ना इस पे। प्लैंक का एंड आप यूज नहीं कर पाओगे ना क्योंकि वो पूरा तो फिनिश लाइन तक ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। नहीं वो फिर वहां दोनों टचिंग एंड पे पहुंच जाएगा तो ये जो पोल्स है उस पे वो पैर लगा के खड़ा हो सकता है। मे बी पॉसिबल बट नॉट श्योर। लेकिन ये भी तो लाइक अपर सरफेस है जो ये वर्टिकल का जिसमें ये होल है पोल वाला, ये उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकता क्या ये बल्ली और ये दोनों? ब्रिज नहीं हो सकता, ये हो गया ऐसे ब्रिज बट वो स्टेबल नहीं होगा ना बिकॉज ये डिस्टेंस भी पहले बहुत ज्यादा है तो फिर बल्ली रह गई तो बल्ली छोटी पड़ जाएगी। समझ गया, मतलब बेस्ट पॉसिबल भी तो वही होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे लाइक इफ वी आर हैविंग 4% देन 3% विल मूव अहेड बाय मेकिंग ब्रिज विद दिस विद द हेल्प ऑफ दिस टैंक टुवर्ड्स दिस एच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन वी विल place it rigidly with the help of loop with this rassi, tie it and so that it will be very much stable and we will retrieve a last person and this belly. Agar, even if it is little less stable then two of our person can stand behind and make it stable. Got the idea? Got it. Yes, yes. Sahibi. And then we can easily move towards finish line using direct bridge.